हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम नए तरीक़ों से किसी को न्यू ईयर विश कर सकते हैं। न्यू ईयर आने ही वाला है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आई विश यू हैप्पीनेस इन द ईयर टू कम। मैं आपके लिए आने वाले साल में खुशियों की कामना करती हूँ या कामना करता हूँ। तो आप किसी से भी ये बोलकर न्यू ईयर उन्हें विश कर सकती हैं। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू इन द ईयर अहेड। आने वाले वर्ष में आपके सपने सच हों। द ईयर अहेड का मतलब होता है आने वाला साल। तो केवल हैप्पी न्यू ईयर बोलने की जगह आप ये भी बोल सकती हैं। हैव अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। आपका नया साल बेहद सफल हो। आप किसी को न्यू ईयर विश करने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकती हैं। अगला फ्रेज़ देखते हैं क्या है। विश यू आर स्मैशिंग न्यू ईयर फिल्ड विद लाफ्टर। आपको हंसी से भरा हुआ कमाल का नया साल मुबारक हो। स्मैशिंग का मतलब होता है कमाल का। तो आपको कमाल का नया साल मुबारक हो। विश यू द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस इन द कमिंग ईयर। मैं कामना करती हूँ कि आने वाले साल में आपको खुशियों का सबसे बड़ा हिस्सा मिले। स्लाइस का मतलब होता है हिस्सा। तो आप इस तरह भी विश कर सकती हैं न्यू ईयर। देखती हैं अगला क्या है। मे द कमिंग ईयर ब्रिंग सक्सेस टू यू। मैं आशा करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए सफलता लेकर आए। मे द कमिंग ईयर ब्रिंग सक्सेस टू यू। आप ये अपने कुलीग से या किसी से भी बोल सकती हैं, अपने फ्रेंड से भी बोल सकती हैं। मे द न्यू ईयर एड अ न्यू ब्यूटी एंड फ्रेशनेस इन टू योर लाइफ। नया साल आपके जीवन में नई खूबसूरती और ताजगी भर दे। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है जिसे आप टेक्स्ट करके भी किसी को भेज सकती हैं। आई विश यू गुड फॉर्चून इन द ईयर टू कम। मैं आने वाले वर्ष में आपके अच्छे भाग्य की कामना करती हूँ। ये विश मेरी तरफ से आप सभी के लिए भी है। तो आई विश यू गुड फॉर्चून इन द ईयर टू कम। विशिंग यू एन अमेजिंग न्यू ईयर अहेड। आपको आने वाले अद्भुत नए साल की शुभकामनाएं। ये सिंपली हैप्पी न्यू ईयर बोलने की जगह आप इन फ्रेजेस का, जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इनको बोल सकती हैं। आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप यू हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। मैं आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आशा है कि आपके पास आगे बहुत अच्छा समय होगा। आप इस मैसेज के थ्रू भी आप किसी को नया साल विश कर सकती हैं। अगला मैसेज देखते हैं क्या है। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ऑल योर एंडेवर्स इन 2020 आर सक्सेसफुल। नए साल की शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आने वाला साल में आपके सभी प्रयास सफल होंगे। एंडेवर्स का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट। आई होप दैट द न्यू ईयर विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। मैं आशा करती हूँ कि नया साल आपके जीवन का बेहतरीन साल होगा। आई होप दैट द न्यू ईयर विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आप इस मैसेज के थ्रू भी किसी को न्यू ईयर विश कर सकती हैं। मे द न्यू ईयर डेकोरेट योर लाइफ विद अनलिमिटेड कलर्स ऑफ जॉय। नया साल आपके जीवन को आनंद के असीमित रंगों से सजाए। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना और अनलिमिटेड कलर्स मतलब असीमित रंग। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये आपको अपने कुलीग से बोल सकती हैं न्यू ईयर पर। नया साल आपके लिए ढेर सारे अवसर लेकर आए। इस मैसेज के थ्रू आप अपने स्टाफ या अपने कुलीग को विश कर सकती हैं। ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा ऑफिस में विश करने के लिए। मे गॉड पोर ऑल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन यू इन दिस न्यू ईयर। भगवान इस नए साल में आप पर सभी खुशियाँ और समृद्धि बरसाए। पोर का मतलब होता है बरसाना और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। तो मे गॉड पोर ऑल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन यू इन दिस न्यू ईयर। आई होप दैट द न्यू ईयर विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। मुझे उम्मीद है कि नया साल आपके लिए सकारात्मकता से भरपूर होगा। पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मकता। आप इन लॉन्ग मैसेजेस को किसी को टेक्स्ट भी कर सकते हैं।